दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर CISF और DMARC स्टाफ के बीच झगड़े का वीडियो सामने आया है। कहा जा रहा है कि द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन पर एक प्राइवेट गार्ड ने अवैध पार्किंग में खड़े CISF के सब इंस्पेक्टर की बाइक की टायर की हवा निकाल दी, जिसके बाद मेट्रो स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। सुरक्षा कर्मियों से नाराज मेट्रो कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया और ककरोना डिपो के पास वे मेट्रो ट्रैक पर उतरकर धरने पर बैठ गए। इसके चलते मेट्रो को रोकना पड़ा। लोग घंटों मेट्रो में फंसे रहे, जबकि ट्रेनों के अंदर घोषणा की गई कि तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। काफी देर बाद उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से इस विवाद को खत्म कराया गया। अपने सहयोगी अभय के साथ मैं वरुण चौहान, नवोदय टाइम्स।